बात करें तो बाइक के हैंडल को भी दोनों हाथ से पकड़ते हैं तभी बैलेंस रहती है, है ना। ये दोनों हाथ की सिग्निफिकेंस जो आप लोगों ने इनिशिएट किया, चौधरी साहब ने इनिशिएट किया, ये कुछ कहना चाहता है और ये सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं है, नहीं है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट वर्ड इज रिटन। ये कुछ कह रहा है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दोनों हाथ सिंगल इंडिविजुअल का है, एक ही व्यक्ति का दोनों हाथ है, क्योंकि थंब से इंडिकेशन मिलता है। ये कौन सी हाथ है? लेफ्ट, एंड दिस इज राइट। राइट एंड लेफ्ट हैंड के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, यानी स्टीयरिंग होल्ड करते समय ये हाथ कहता है कि इधर मोड़ो, और ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऑब्वियसली ये भी कहेगा कि इधर मोड़ो, तो व्हीकल का परिणाम क्या होगा? दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सिमिलरली एक मोटर बाइक के हैंडल पकड़े हैं, ये कह रहा है कि इधर मोड़ो, ये कह रहा है कि नहीं सुनूंगा तेरे पास, क्योंकि ये फैस से कह रहा है और ये काम से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका मर्जी। कॉन्फ्लिक्ट में ये रिजेक्ट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि राइट टर्न करो, ये कह रहा है कि नहीं मैं राइट टर्न नहीं करूंगा, उसका उल्टा करूंगा। सो द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, और जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है उसका परिणाम क्या होगा? व्हीकल के लिए और राइडर के लिए, दोनों के लिए मुसीबत होगी। तो ये तो जस्ट डिपिक्ट कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हमें किस तरह से मिल सकती है इन द नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन, चाहे ऑफिस हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे परिवार भी क्यों ना हो। ठीक है ना, अभी क्लियर हुआ चौधरी साहब? ठीक है, कई दिखे, कई एक्सप्लेनेशन है। एक हमने पूछा ना कि कितने स्क्वायर्स हैं, तो एक आंसर तो नहीं है इसका, डिफिकल्ट है, पर इसको और आगे और कोशिश करते हैं। Extinguish any firework in your team by resolving conflict quickly. हम कहना ये चाह रहे हैं, पुरानी स्लाइड से चल रहे हैं कि conflict resolution टीम को करना आना चाहिए आपस में। Norming करेंगे और conflict resolution करेंगे, उस पर फोकस कर रहे हैं। Conflict को ऐसे भी लोग कर रहे हैं, ऐसे भी दिखाते हैं लोग स्लाइड से, और conflict ऐसे भी दिखता है। अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्यों? Yes. है ना, टीम वर्क इज एसेंशियल, बट एनी ग्रुप एफर्ट कैन बी जनरेट इनटू आर्गुमेंट एंड एंगर। अब हम ये आगे देखना है, हम डिस्कशन कर रहे हैं या हम एंगर के वशीभूत होकर आर्गुमेंट कर रहे हैं, इसको हमें देखना होगा आगे धीरे धीरे। छोटी छोटी साइड हैपन्स। पहली बात तो है, ये बिल्कुल होगा ही होगा, जहाँ ह्यूमन डायनेमिक्स होगी वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, 100% अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है, ये पीरियोडिक अकरेंस है, हर समय रहेगा ऐसा भी नहीं। तीसरी बात है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अपोजिंग प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज। कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? मान्यताओं के कारण, हमारी अपने अपने थॉट सिस्टम्स हैं, टीचिंग्स हैं, वैल्यूज हैं, रेशनल है, जहाँ जहाँ वो मैच नहीं करते वहाँ वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम सही होते हैं, कोई भी, मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट में जो दो पार्टीज होती है कोई भी अपने को गलत नहीं समझते। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है तो पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता, हम एज ए इंडियन सिटीजन ये कहेंगे कि पाकिस्तान